चला या ठिकाणी महिलांच्या जिथे पहिला क्वालिफायरचा सामना सुरू झाला आरबी स्पोर्ट्स आणि रुद्र फायटर्स एक्विप फायटर मुकाबला असणार आहे या स्पर्धेमधला जो जीतेगा वही सिकंदर कहलाएगा हारकर जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं हराकर जीतने वालों को सिकंदर ये मुकाबला डिसाइड करेगा कि सिकंदर कौन है और बाजीगर कौन है दोनों भी टीमें काफी बढ़िया अपने अपने ग्रुप में ये दोनों भी टीमें टॉप कर चुकी है और इन्हीं दोनों टॉपर टीमों के बीच में इस टूर्नामेंट का यह पहला क्वालिफायर का मुकाबला जो जीतेगी टीम वो सीधा फाइनल में पहुंचेगी यहाँ पर जो टीम हारेगी उसे और एक मौका यकीनन मिलेगा इसके बाद ये पहला एलिमिनेटर मुकाबला वो भी काफी दिलचस्प हो सकता है दोस्तों ओमकार पाड़ावे पिछले मैच के हीरो जिन्होंने शानदार प्रदर्शन पेश करते हुए अपनी टीम को अपने ग्रुप में टॉप पर बने जरूर रखा है फिलहाल ये 12 नंबर की जर्सी बने हुए खिलाड़ी आरवी स्पोर्ट्स की तरफ से रेड करने के लिए तैयार है पहला हाफ का खेल इस समय शुरू हो चुका है तो कहीं ना कहीं पहले हाफ के शुरुआत के कुछ मिनट के अंदर दोनों भी टीमों के जो खिलाड़ी हो डिफेंसिव खेल खेलना जरूर पसंद कर सकते थे लेकिन इस समय देखा जाए तो रुद्र फाइटर्स की जो टीम है उनका डिफेंस शुरुआत के कुछ मिनट से ही यहाँ पर बोलना शुरू कर चुका है ओमकार पाड़ावे 9 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी पहाड़ों से जो टकरा है उसे तूफान कहते हैं और तूफान से जो टकरा है उसे ओमकार पाड़ावे कहते हैं ये अकेला खिलाड़ी सेना के समान है एक तरफ आर्मी स्पोर्ट्स की टीम है तो दूसरी तरफ एकमात्र खिलाड़ी ओमकार पाड़ावे इस खिलाड़ी को रोकना इतना आसान नहीं है पता नहीं कौन से मिट्टी का बना हुआ ये खिलाड़ी है यकीनन देखा जाए तो उनके अंदर वो क्षमता है और ये देखिए छलांग लगाते हुए मिडल के जो खिलाड़ी थे डिफेंडर्स थे कवर्स के उनको कहीं ना कहीं टच करने का प्रयास किया था कामयाबी बिल्कुल नहीं मिली और फिर एक मर्तबा मिड लाइन की तरफ आते हुए इधर उधर बस टहलने का काम किया और अंत में अपने कोर्ट में चले जाने के बाद अब ओमकार पाड़ावे इस समय तैयार होंगे पिछली बार जब रेड करने के लिए आए थे तो 2 पॉइंट लिए थे लेकिन इस बार क्या कामयाबी मिली है किसी ना किसी खिलाड़ी को निशाना बना दिया और लेफ्ट कॉर्नर के जो खिलाड़ी थे वो शायद इस समय उनका शिकार बने 1 पॉइंट मिलेगा और रुद्र फाइटर्स की टीम पहले क्वालिफायर के मुकाबले में पहले हाफ के शुरुआत के कुछ मिनट में पूरी तरह से रम पम पम गाड़ी चलाने में कामयाब इस समय 1 नंबर की शायद देखिए यह आरबी स्पोर्ट्स का जो खिलाड़ी है 12 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी इस समय रेड करने के लिए तैयार होंगे कहीं ना कहीं आप रणनीति को चेंज करने की आवश्यकता है जिस तरह से ओमकार पाड़ावे खेल रहे हैं आज किसी ना किसी एक खिलाड़ी को ओमकार बनना पड़ेगा 3 खिलाड़ियों का महल डिफेंस है सुपर टैकल इस समय उपलब्ध है 3 खिलाड़ियों का डिफेंस में क्या ओमकार को पकड़ा जाएगा ये शानदार टैकल है ये शानदार ओमकार जाएंगे बैकलाइन के बाहर मिलेंगे 2 पॉइंट और साथ ही साथ यहाँ पर सिंगल मिलेगा रुद्र फाइटर्स की ये कमाल का डिफेंस था ओमकार को रोकना असंभव था लेकिन मान लो तो हार होगी ठान लो तो जीत होगी छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता दोस्तों टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता मैदान में हारा हुआ इंसान दोबारा जीतता है लेकिन मन से हारा हुआ इंसान दोबारा नहीं जीतता इसलिए आपका जो कॉन्फिडेंस है वो सातवें आसमान पर होना चाहिए क्या इस बार टैकल किया बिल्कुल नहीं यहाँ पर 2 खिलाड़ियों को चकमा देते हुए ओमकार पाड़ावे ने मिड लाइन क्रॉस की ये रुद्र फाइटर्स की टीम पहले क्वालिफायर के मुकाबले में पूरी तरह से अपना जलवा बिखर रही है और इस मुकाबले में अगर कोई खिलाड़ी इस समय पूरी तरह से इनफॉर्म में है तो उस खिलाड़ी का नाम किया दोस्तों ओमकार पाड़ावे ये देखिए इस समय दावा किया दावा दोनों ने किया है आ देखिए जरा किसमें कितना है दम इस समय भगवान की कसम ली है किसी ना किसी एक की कसम झूठी हो जाएगी यस क्या किसको पॉइंट मिलेगा बिल्कुल पॉइंट नहीं मिला अगर कसमें सच हो जाती तो पता नहीं भगवान का क्या हाल होता इस समय कसम जरूर भगवान की ली थी हमने देखा जाए तो आप रेड करेंगे रुद्र फाइटर्स की तरफ से उनके रेडर इस समय नए खिलाड़ी को रेड करने का जिम्मा सौंपा है 7 खिलाड़ियों का डिफेंस है बोनस लाइन इस समय ऑन हो सकती है
और सात खिलाड़ियों के डिफेंस में बोनस पॉइंट लेना थोड़ा सा या आप पर इजी करना पड़ेगा। दर्शकों में थोड़ी सी हलचल देखने को मिलती हुई, चढ़ाई मार्ग वरती अतिशय चांगल चढ़ाई बच्चों अपने पाल भेटूला मात्र रोकने का प्रयत्न मिल वन टू थ्री यस पलटवार सुनार के लोहार की ताकत कमी आहे तरी देखील मिडलाइन क्रॉस केली मोठं खिंडार पाडलं ते रुद्र पाटील संघाला तीन गुणांची कमाई इथे देखील रोखलंय ते चढाई पट्टूला एक गुणांची कमाई। आर्मी स्पोर्ट संघाच्या खात्यामध्ये रुद्र स्पोर्ट बनम आर्मी स्पोर्ट अशी लढत देखील पाहायला भेटते। टीम खेळाडू डिफेन्स वरती आहेत चढाई पट्टू सज्ज झालेला आहे सुपर टॅकलची गुड ऑपॉर्च्युनिटी असेल जर तीन खेळाडूंच्या डिफेन्स मध्ये चढाई पट्टूला बाद करण्यामध्ये यश मिळालं तर दोन गुणांची कमाई होऊ शकते रुद्र पाटील संघाच्या प्रांगणामध्ये, परंतु त्याच्यासाठी प्रचंड साहस पाहिजे। मुकाबला जीतने के लिए शौर्य धैर्य चाहिए, अनुशासन की यहाँ पर आवश्यकता है। और यहाँ पर देखिए नए खिलाड़ी अपोजिट टीम के कोर्ट पे आक्रमण करेंगे। उन्होंने अभिवादन किया था, इतनी शक्ति हमें देना था कि मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले हैं नेक रास्ते पर, हमसे भूलकर भी कोई भूल ना हो, ये प्रार्थना करने के बाद ये खिलाड़ी रेड करने के लिए तैयार हुआ था। ना टच पॉइंट मिला ना बोनस पॉइंट मिला, एएमटी रेड का समापन हो। उनके अंदर वो प्रतिभा है, उनके अंदर वो क्षमता है, उस टैलेंट को कहीं ना कहीं जस्टिस करने का प्रयास करेंगे। सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी है, तीन खिलाड़ी इस समय डिफेंस और यहाँ पर देखिए डबल डाइव करने का प्रयास पूरी तरह से बीट हुए, दो खिलाड़ी को टच किया, ये रुद्र फाइटर्स की टीम को सबसे बड़ा झटका लगा है। दैट्स अ सुपर, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अ मैग्निफिसेंट रेड आरबी स्पोर्ट्स की तरफ से। पहले हाफ के शुरुआत के मिनट में आरबी स्पोर्ट्स की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर थी, लेकिन उसके बाद क्या कमबैक हुआ है, कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। जिस रानू मंडल को अक्सर हमने रेलवे स्टेशन पर गाना गुनगुनाते हुए देखा था, वो रानू मंडल दोस्तों आज एसी रूम में रहती है। और जिस आसाराम बापू के पास करोड़ों की संपत्ति थी, वो आसाराम बापू आज जेल में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं समय बदलता है, मैदान के अंदर का खेल भी बदलता है, बस आपको दृढ़ विश्वास के साथ निर्धार के साथ मैदान के अंदर खेलने की आवश्यकता होती है। फिलहाल ये ओंकार पाड़ावे रेड करेंगे, मोमेंटम का इस्तेमाल करते हुए बारह बारह पॉइंट पर खेलती हुई दोनों भी टीमें, आपको तो संघर्ष करना पड़ेगा। प्रभु रामचंद्र जी ने राम राज्य का निर्माण किया था दोस्तों, हमने सबने रामायण पढ़ी है, लेकिन वो राम राज्य निर्माण करने के पहले प्रभु रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास भुगतना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं भगवान ने संघर्ष किया है, हमें भी अगर कामयाबी चाहिए तो हमें भी संघर्ष करने की आवश्यकता है। जब रावण का वध करने के पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, तो भगवान ने यहाँ पर मुसीबतों का सामना किया, तो हमें भी मुसीबतें यकीनन झेलनी पड़ेगी। ये टूर्नामेंट चल रहा है, अगर ग्रैंड फिनाले में पहुंचना है तो आपको मेहनत की आवश्यकता है। ये ओंकार पाड़ावे का जलवा है, ये खिलाड़ी इस समय चमक रहा है। भगवान तो हर किसी को हीरा बनाकर ही भेजता है, लेकिन वही चमकता है जिसके अंदर तराशने की क्षमता होती है। आज सही मायने में चमक रहा है जो कोई खिलाड़ी, उसका नाम है ओंकार पाड़ावे। ये खिलाड़ी बिल्कुल अपने खेल के द्वारा बोल रहा है, अगर जुबान के द्वारा बोलोगे डबल डाइव हो गए, लेकिन क्या निकल गए है, ये निकल गए है खिलाड़ी। बोनस प्लस 3 = 4, यानी कि मल्टी पॉइंट रेड हुई। ये गजब का मुकाबला, कभी रुद्र फाइटर्स की तरफ मुकाबला जार है। अब दोनों भी टीमें 16-16 पॉइंट पर बराबरी पर है, कभी मुकाबला आरबी स्पोर्ट्स की तरफ तो कभी मुकाबला रुद्र फाइटर्स की तरफ। ये मुकाबला ऐसा ही चलेगा दोस्तों, तो यकीनन इस टूर्नामेंट में मजा आने वाला है। ओंकार पाड़ावे पॉइंट लेंगे, क्या गजब की रेड है, दैट्स अ मैग्निफिसेंट रेड, अनदर ओंकार पाड़ावे। ओंकार पाड़ावे जैसा खिलाड़ी मैदान में है तो कहीं ना कहीं मजा आने वाला है।
हम अक्सर कहते दोस्तों कि प्यार में दुनिया खूबसूरत लगती है, दर्द में दुनिया दुश्मन लगती है। पिच मैदान पर और ओंकार पाड़ा में जैसा खिलाड़ी तो पीने वालों को बिस्लरी किंग फिशर लगती है। ये खिलाड़ी मजा दिलाने वाला है, ये खिलाड़ी आज दिलचस्पी पैदा करेगा। इस मुकाबले में देखा जाए तो 5 खिलाड़ी डिफेंस पर, क्या टच पॉइंट मिल सकता है? लेफ्ट कॉर्नर से रेड का आरंभ किया, राइट कॉर्नर की तरफ काफी तेजी के साथ, लेकिन जो कॉर्नर के जो डिफेंडर्स थे वो थोड़ा सा द्विधा स्थिति में देखने को मिले थे। पहले सोचा था कि चलो टैकल करना है, बाद में सोचा कि नहीं हमें छोड़ना है, तो कहीं ना कहीं ये जो दोहरी मानसिकता थी और उसी दोहरी मानसिकता के सिखा डिफेंडर्स को ने ओंकार को पॉइंट मिला। और ये पॉइंट का मतलब है कि इस समय क्या रुद्र पाठक की टीम वो इस समय लीड कर रही है। चालू सामना दुसरा सिलेबल सामना असेल, टीचवाली स्पोर्ट वर्सेस अजिंक्य स्पोर्ट, तुम्ही सांगला पहिला पगार तुर्ची स्पोर्ट वर्सेस अजिंक्य स्पोर्ट। यस, पॉइंट मिला, एब्सोल्युटली दावा किया था ओंकार ने, और ये ओंकार का दावा सही साबित हुआ। डिफेंडर्स ने भी दावा किया था, चलो मुझे टच नहीं किया, लेकिन डिफेंडर्स का दावा खारिज कर दिया ओंकार ने। और ये गलती की है, ये गलती यहाँ पर हजम नहीं हो सकती, जिसने गलती की उसे बैकलाइन के बाहर जाना पड़ेगा। दोस्तों ये बार बार गलती करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गलती करे उसे इंसान कहते हैं, गलती पे गलती करे उसे शैतान कहते हैं, और लगातार गलतियों के ऊपर गलती करे उसे पाकिस्तान कहते हैं, और तमाम गलतियों के बावजूद भी दूसरों को माफ करे उसे हिंदुस्तान कहते हैं। ये खेल हिंदुस्तान का है और हम हिंदुस्तानी है, हम बार बार गलतियां नहीं करते। तो कहीं ना कहीं जो शुरुआत की जो गलतियां है उससे सबक सीखने की आवश्यकता मुझे लगता है दोनों भी टीम के खिलाड़ियों को जरूर है। यहाँ पर देखिए चार खिलाड़ियों का डिफेंस है, सामने चार शिकार, एक शिकारी, क्या शिकारी शिकार कर पाएगा या शिकारी खुद यहाँ पर शिकार बन जाएगा? देखने के लिए, सुनने के लिए समिति के सर्व सर्वा अध्यक्ष श्री संजय जी वाळंज आलेले आहेत, यांना आम्ही व्यासपीठावर आमंत्रित करतोय, तरी लवकरात लवकर व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचं आहे। संजय जी वाळंज, यहाँ पर जो मेहमान आए हैं सर, उनका भी हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे। हमारे महफिल में मेहमान बड़े उम्मीद से आते हैं, स्वागत में फूल नहीं दिल बिछाए जाते हैं, तहे दिल से वेलकम, स्वागत है मेहमानों का। फिलहाल यहाँ पर मैदान की तरफ चलते हैं, जहाँ पर चार खिलाड़ी नहीं 5 खिलाड़ी होंगे, और 5 खिलाड़ी रोका है, यानी यहाँ पर रोक दिया था, शानदार डिफेंस बोलता हुआ, लेकिन क्या ओंकार को रोका जाएगा? क्या लॉबी का इस्तेमाल किया, क्या लॉबी क्रॉस की है, क्या मिडलाइन को क्रॉस किया, ये मल्टी पॉइंट मिले, जोरदार तालियां बजनी चाहिए ओंकार के लिए। ये गजब का खिलाड़ी है, ये हरकत नौला खिलाड़ी है, क्वालीफायर के मुकाबले में पूरी तरह से मुकाबला अपने गिरफ्त में कर चुकी है रुद्र फाइटर्स की टीम। तो कहीं ना कहीं आर्मी स्पोर्ट्स की जो टीम है इस समय बैकफुट पर जा चुकी है। अब रेड करते हुए तेजस, जो कि स्वयं ऑनर है, स्वयं मालक है, और कहीं ना कहीं ऑनर की जो जिम्मेदारियां होती है, जो कैप्टन की जो जिम्मेदारियां होती है, वो बखूबी निभाने की आवश्यकता होती है। दोस्तों हम अक्सर कहते हैं हाजमे की गोली, रंगों की होली, क्रिकेट के मैदान में जिस तरह से विराट की कैप्टनशिप देखी है, आज कहीं ना कहीं वो कैप्टनशिप कबड्डी के मैदान पर देखने को मिलेगी अगर तेजस सर के द्वारा, तो मुझे लगता है इस कहानी में मजा आने वाला है। दोस्तों ये तो शुरुआत है, ये तो जाकी है, पिक्चर पूरा का पूरा बाकी है। ये पहले हाफ का खेल जारी है, दूसरे हाफ का खेल काफी इम्पोर्टेंट होगा। ये तेजस है, चलो यहाँ पर देखो आज जरा किसमें कितना है दर, अकेला खिलाड़ी सेना के आखिरकार ये मालिक है, वो जो गए वो भी मालिक, और जिन्हें पॉइंट मिला वो भी मालिक है, यानी कि ये जो बैटल होगा जो खिलाड़ियों का ये शानदार डिफेंस होता है। और कहीं ना कहीं तेजस सर ने ठान लिया है, चलो यहाँ पर अगर मुकाबले में आगे बढ़ना है तो हर हाल में मुझे कुछ कर दिखाने की आवश्यकता है। आंधियों को जीते जा बिजली आ गिरा देखी, क्या पॉइंट मिलेगा? यस एब्सोल्युटली, ये तेजस एक्सप्रेस है दोस्तों,
हिंदुस्तान में जितनी भी एक्सप्रेस चलती है उनमें से एक आदरणीय चंद्रकांतदादा बैकर देखील आलेले आहेत. आदरणीय बैकर साहेबांचं म्हणजे आमच्या आदरणीय दादांचं देखील मी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करेन. दादा या आपलं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. पंचायत समिती दापोलीचे माजी सभापती आदरणीय दादा आपलं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम सुस्वागत नमस्कार. तर दादांचा देखील स्नेह आशीर्वाद चलो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए ये सिंगल खिलाड़ी जाएगा. ये गलती करने की कोई आवश्यकता नहीं लेकिन चलो उसको बचाने के प्रयास में कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये डिफेंडर्स ने खुदकुशी की है. बचाना है तो चलो तेजस्वी सर की पक्ष है सौरभ पवार करें शंबर पैसे पक्ष है तेजस्वी यकीन यहाँ पर तेजस के लिए किया दोस्तों तालियां बजनी चाहिए. क्या कमाल का खेल खेल रहा है ये बंदा. जिस तरह से हार मानने वाला नहीं है जिस तरह से ये देखिए मिडिल ऑर्डर के डिफेंडर से इसे कहते हैं सर सर्जिकल स्ट्राइक करना यानी के घर में घुसकर मारना इसे कहते हैं. काफी तेजी के साथ अंदर गए थे और अपने लंबे कद का बखूबी इस्तेमाल किया. बड़ी आसानी के साथ खिलाड़ी को तोड़ दिया लेकिन ये खिलाड़ी ज्यादा समय तक बैकलाइन के नहीं बाहर रहा. तुरंत उसे रिवाइवल कर दिया और अब तेजस फिर एक मरतबा तैयार होंगे. मिलेगा क्या लॉबी का इस्तेमाल किया हमें तो अपने में उठा बोनस 10 पॉइंट मिलेगा यानी कि 2 पॉइंट का इजाफा होता हुआ स्कोर बोर्ड के ऊपर. क्या यहाँ पर रोका गया है क्या रोका गया है क्या मूल्यांकन क्रॉस किया ये ओमकार है. ओमकार ने मूल्यांकन को क्रॉस किया. तकरीबन यहाँ पर लग रहा था कि ओमकार को जरूर रोक पाएंगे लेकिन थोड़े से निकल चुके थे पहली बार जब एफर्ट किया था. अगर टीमों के बीच में एक तरफ है आरवी स्पोर्ट्स की टीम तो दूसरी तरफ से रुद्र फाइटर्स की टीम दोनों भी टीमों के बीच में ये कड़ा संघर्ष जारी है. अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको परिश्रम करने की आवश्यकता है और यहाँ पर देखिए सोलो टैकल करने का प्रयास पर काउंट डाउन. क्या यह मल्टी पॉइंट रेड है क्या यह सुपर रेड और इसी के साथ यह सुपर रेड होती हुई लगातार हर रेड सुपर रेड के बराबर है. तीन खिलाड़ियों को कुल 4 पॉइंट मिलेंगे. ये मल्टी पॉइंट रेड है ये मल्टी पॉइंट रेड ये जाबाज खिलाड़ी की निशानी है ये बहादुर खिलाड़ी की निशानी. आज इस रेडर ने अपने अंदर का जो हुनर है उस हुनर का परिचय दिया है लेकिन ओमकार पाड़ा भी मौजूद है. जब तक ओमकार है तब तक शायद रुद्र फाइटर्स की जो टीम है वो यकीनन बिंदास रह सकती है. अगर आरबी स्पोर्ट्स को इस मुकाबले को जीतना है तो ओमकार पाड़ावे को बैकलाइन के बाहर भेजने की आवश्यकता है. जितने समय तक ओमकार बैकलाइन के बाहर रहेंगे मुझे लगता है आरबी स्पोर्ट्स को इस मुकाबले में कमबैक करने का अच्छा खासा मौका मिल सकता है. ये शायद ओमकार भी गए अन्य खिलाड़ी भी गए और अब आरबी की टीम इस मुकाबले पर लीड में आ सकती है. अगर ये खिलाड़ी यहाँ पर आउट हो जाएगा तो शायद इस मुकाबले में क्या आरबी स्पोर्ट्स की टीम पहली बार लीड पर आ जाएगी दोस्तों. यकीनन यहाँ पर शानदार टैकल 1+2 = 3 प्लस सुपर यह आलिया भट्ट से खूबसूरत मुकाबला है दोस्तों. क्या कमाल का गजब का ये मुकाबला. हेलो छत्तीस आप देखिए दोस्तों समय के बदलने का कोई समय नहीं होता. 1980 साल में धीरूभाई अंबानी को एक बैंक ने लोन देने के लिए मना किया था और 2010 में उसी बैंक को खरीदी करने का प्रस्ताव मुकेश अंबानी ने रखा था तो कहीं ना कहीं 40,000 का लोन लिया था और वही सचिन तेंदुलकर आज BMW के ब्रांड एम्बेसिडर है. तो समय बदलता है बस आपको संघर्ष दिखाने की आवश्यकता है. इस समय देखा जाए तो ओमकार चलेंगे यस चलेंगे ओमकार ओमकार और बस ओमकार और दूसरी तरफ तेजस और तेजस ये दो खिलाड़ियों के बीच में कहीं ना कहीं बेहतरीन बैटल चल रहा है. खचाखच भरा हुआ ये लालगढ़ का ऐतिहासिक स्टेडियम है जहाँ पर निगाहें जा रही है वहाँ पर सिर सिर पर दर्शक और दर्शक देखने को मिल रहे हैं.
दर्शकों के अंदर काफी अच्छा खासा यहाँ पर खुशी का माहौल है, खुशी की मानो यहाँ पर एक हल्की सी लहर देखने को मिलती है। लेकिन तेजस को शायद अब कहीं ना कहीं चैन की सांस लेनी चाहिए, किसी ना किसी दूसरे खिलाड़ी को भेजना चाहिए, ताकि इसके बाद और भी जो बचे हुए मिनट है उसमें अगर अपना जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस बचा कर रखना है। अगर थोड़ा सा थकान भी महसूस करेंगे तो मुझे लगता है ये बैकफुट पर जा सकते हैं, कहीं ना कहीं दूसरे खिलाड़ी को आजमाने की आवश्यकता है। चलो डुअल डायरेक्ट है तो शायद तेजस पर जाना चाहिए, लेकिन उनकी जो सोच थोड़ी सी बिल्कुल अलग देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए तेजस एक्सप्रेस काफी तेजी के साथ पटरी पर आगे बढ़ रही है। एक खिलाड़ी ने लॉबी क्रॉस की थी, निजी जिंदगी में लाइन क्रॉस करो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यह कबड्डी का मंच है, यहाँ पर बिना किसी खिलाड़ी को छुए बिना अगर आप लाइन क्रॉस करते हो तो शायद आपको बैक लाइन के बाहर जाना पड़ेगा। ये ओंकार है, बार बार ओंकार रेड कर रहे हैं, और जब ओंकार आते हैं तो पॉइंट मिलता है, तो दूसरी तरफ तेजस आता है तो भी पॉइंट मिलता है। इसलिए तो दोनों भी टीमों का जो पॉइंट टेबल देखेंगे तो ज्यादा फासला नहीं है दोस्तों, बिल्कुल 19-20 का फासला है। ये मुकाबला जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कहानी में ट्विस्ट आगे बढ़ने वाला है दोस्तों। जितना सुपर डुपर हिट पुष्पा चित्रपट हुआ था उससे सुपर डुपर हिट ये मुकाबला हो सकता है। ये पहला क्वालिफायर का मुकाबला जो तुलसीवाड़ी के ऐतिहासिक मैदान पर चल रहा है, तुलसीवाड़ी प्रीमियर लीग 2022 यानी कि ये TPL का पहला क्वालिफायर का मुकाबला, जहां पर तेजस को बोनस पॉइंट लेने में कामयाबी मिली सिंगल के साथ। वो यकीनन स्कोर बोर्ड के ऊपर आगे बढ़ेंगे, और ये देखिए दिमाग की बत्ती जला दी, भले ही मेंटोस ना खाई हो लेकिन उसके बावजूद भी दिमाग की बत्ती चली है, लंबे कद का इस्तेमाल किया, क्या तेजस कामयाब। तेजस ने थोड़ा सा लालच दिखाया था, ये लालच बुरी बला होती है। तेजस ने कहा था चलो आ चलो मुझे आप पकड़ सकते हो, और छोटे ने भी एक्सेप्ट किया था, लेकिन ये ओंकार को भी पकड़ दिया। आप मानो आर्मी की टीम मुकाबले में लीड कर रही है, उनके जो मालिक है उनके चेहरे पर अब स्माइल होना चाहिए। स्माइल हमेशा चेहरे पर रखो, क्योंकि टेंशन से चेहरे पर पिंपल आती है और स्माइल से चेहरे पर डिंपल आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि डिंपल आनी चाहिए, तो चलो यहाँ पर स्माइल होनी चाहिए। यह स्माइल है तेजस के चेहरे पर, क्या दूसरी तरफ रुद्र पाटिल के जो ऑनर है उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट होनी चाहिए तो बेहतरीन खेलना चाहिए। ये देखिए आप थोड़ा सा परिवर्तन किया था, और इसके बाद अब टाइम आउट। मुझे लगता है 2 दिन का यह सर्वोत्तम स्कोरबोर्ड हो सकता है, क्या कबड्डी के मैदान पर आज के दिन यहाँ पर इतिहास हो सकता है, क्या कोई टीम 50 के ऊपर यहाँ पर पॉइंट हासिल कर पाएगी। मुझे लगता है दोनों भी टीमें 50 के ऊपर पॉइंट लेने वाली है, और रेड मानो सुपर रेड होनी चाहिए इसे मकसद के साथ। खिलाड़ी ताकतवान खिलाड़ी था और उसी ताकतवान खिलाड़ी को रोका था। कबड्डी का मंच है, भले यहाँ पर ताकत ना हो स्किल होना चाहिए, हम मराठी में अक्सर बोलते हैं चाइनीज खाऊन केलेली बॉडी, जमीन विकून आलेला पैसा आणि कॉलेज मध्ये पटवलेली पोरगी टिकत नाही। ताकत होती याच्याकडे, परंतु त्याच्यापेक्षा युक्तीचा वापर करून पुन्हा एकदा आरबी स्पोर्ट्सचा संघ या मॅच मध्ये यशस्वी कमबॅक करेल। काय जबरदस्त खेळ आपल्याला तेजस सरांकडनं पाहायला मिळाला, आज कौतुक करावं लागेल त्यांचं। पहिल्या सत्रामध्ये बॅकफूट वरती होते, त्यानंतर मात्र इरादा बदलला, मोठा धक्का दिला रुद्र पाटील संघाला, आणि सद्यस्थितीमध्ये अर्धशतकाच्या दिशेने वाटचाल करतोय तो आरवी स्पोर्ट्सचा संघ। पहिला क्वालिफायर सामना आहे, कचाकच भरलेलं स्टेडियम आपण पाहतोय तुळशीवाडी प्रीमियर लीग 2022, तर त्याच वेळेला आता खेळाडू दाखल होतोय प्रतिस्पर्धी संघाच्या कोर्टमध्ये थर्ड रेड साठी, म्हणजे 3 खेळाडूचा डिफेन्स असेल आणि त्याच वेळेला सुपर टॅकलची देखील गोळा ऑपॉर्च्युनिटी असेल। चढाई पटेला कोणत्याही परिस्थितीमध्ये गुणाची कमाई करणं गरजेचं आहे, आधार घेतलाय का परंतु नाही, इथे परतावं लागेल। बॅकलाईनच्या पाठीमागे 2 गुणांची कमाई होत असताना रुद्र पाटील संघाच्या खात्यामध्ये, आणि तदनंतर मात्र एका खेळाडूचं झालंय कमबॅक, 6 खेळाडू डिफेन्स वरती आहेत, तर त्याच वेळेला बोनस लाईन क्रॉस करण्याचा प्रयत्न देखील असेल, परंतु नाही आहे, इथे बोनस लाईन क्रॉस झालेली नाही आहे। आपण बघतोय तेजस सरांना जे आरबी स्पोर्ट्स संघाचं सर्जिकल स्ट्राइक, दादू सर ही स्पर्धा बघताय, दादू सर या खेळाडूंना तालुका स्तरीय स्पर्धेत खेळणं गरजेचं आहे, काय टॅलेंट आहे,
म्हणजे तालुका स्तरीय स्पर्धेमध्ये जेवढे जेवढे दिग्गज खेळाडू खेळतात आखरी 5 मिनिट का ते सुशेष आहे. हॅलो कोण बोलत आहे? हॅलो आर्मी फायटर्स की टीम 48 और रुद्र फायटर्स की टीम 42 यानी कि 6 पॉइंट का फासला होगा. सिक्सर लगाना पड़ेगा. भले ही क्रिकेट का मंच ना हो लेकिन यहाँ पर सिक्सर लगाना पड़ेगा. दापोली तालुका का अगर हम सोचेंगे तो दापोली ब्लॉक में ओजेस केडेकर और चिन्मय अग्ने ऐसे दो मात्र खिलाड़ी है जिन्होंने एक ही रेड में 6 पॉइंट हासिल किए थे. क्या आज यहाँ पर लाडगर के ऐतिहासिक मंच पर उसी इतिहास को दोहरा जाएगा? 6 पॉइंट के लिए आखिरी 4 मिनट शेष है. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब हमेशा बोलते थे दोस्तों कि देश का सबसे जो बड़ा टैलेंट होता है वो क्लासरूम के आखिरी बेंच पर देखने को मिलता है. लेकिन यहाँ पर देखिए यह बैटल चल रहा है. एक खिलाड़ी मात्र जो शेष था उन्होंने भी सरेंडर किया और आर्मी स्पोर्ट्स की टीम और आर्मी टीम के लिए ताली बजने चाहिए. 50 पॉइंट से ऊपर पॉइंट हो चुके हैं आर्मी. लेकिन यहाँ पर देखिए बोनस प्लस पॉइंट मिला है. क्या यहाँ पर रुद्र फाइटर्स की टीम को बड़ा झटका लगने वाला है आर्मी स्पोर्ट्स के द्वारा? लेकिन ये रुद्र फाइटर्स की टीम है क्या तेजस को रोका है? सुपर हर मोमेंट पर तेजस को रोकना जरूरी था और तेजस को रोक दिया. ये कोई सामान्य मछली नहीं थी. कमाल का खेल है. जिस तरह से गिरगिट रंग बदलता है ओंकार पाडावे. फोर्थ पॉइंट मिळाला. ओंकार सज्ज होईल तर त्याच वेळेला मात्र पाहिलं तर एक लयका एक रोख लयका नाही संघर्ष सुरू आहे. आर्मी स्पोर्ट्स कडे एका गुणाची आघाडी आहे. तर त्याच वेळेला जर पाहिलं तर रुद्र फायटरचा जो संघ आहे त्याने देखील यशस्वी कम बॅक केलाय. काही मिनिटांपूर्वी जवळ गेले तेजस परंतु मिडलाईन क्रॉस करण्यात यश आलं नाही आणि आता गुणफलक बरोबरीत आलाय. दोन्ही संघाचा गुणफलक बरोबरीत आहे. आर्मी स्कोर 53 पॉइंट तर रुद्र फायटर्स देखील 53 पॉइंट वरती खेळतोय. मॅच आता खऱ्या अर्थाने सुरू झाले. बोनस पॉइंट रुद्र फायटर्स पुन्हा एकदा लीड वरती आलाय आणि त्याच वेळेला तेजस सरांना रिवायवल करणं गरजेचं असेल. शेवटची 2 मिनिटं शिल्लक आहे. तेजस परंतु अपयशातला दोन्ही संघांना एक एक गुण मिळालाय आणि त्याच वेळेला ओंकार पाडावे पुन्हा एकदा सज्ज होत असताना डाव्या कोपऱ्यामध्ये खोलवरचं आक्रमण आणि गाडीला परतावं लागेल. एस आठवी परतावं लागेल पुन्हा एकदा एका गुणाची कमाई. त्यानंतर मात्र 12 नंबरची दर्शी परिधान केलेला खेळाडू लीड आहे आता रुद्र स्पोर्ट्स संघाकडे आणि त्याच वेळेला मात्र कोणत्याही परिस्थितीमध्ये टच पॉइंट घेणं गरजेचं असेल. परंतु बघा आणि 57 रुद्र स्पोर्ट संघ 54 पॉइंट वरती. आर्वी स्पोर्ट सामना संपायला शेवटचा 1 मिनिट शिल्लक आहे. तीन पॉइंट का फासला है दोनों की टीमों के बीचों बीच. क्या टाइम आउट लिया बिल्कुल सही समय. बोले एक पॉइंट जाएगा तो कोई बात नहीं. क्या यहाँ पर सिंगल तो लिया है. सिंगल के साथ चले जाना पड़ेगा. यहाँ पर सिंगल मिलेगा. क्या तेजस का कमबैक हुआ है और अब ओंकार रेड करेंगे. क्या ओंकार को रोका जाएगा?
लेकिन नहीं, यहाँ पर देखिए बॉकलाइन को क्रॉस किया, तकरीबन ये आखिरी रेड हो सकती है। अगर यहाँ पर पूरे 30 सेकंड का समय इस्तेमाल करते हैं तो मुझे लगता है ये आखिरी रेड होगी, और आखिरी रेड है, बजर बजेगा तो मुकाबला फिनिश तो रुद्र पार्टनर्स की टीम जीतेगी, यानी कि ये टीम फाइनल में पहुंच सकती है। क्या और एक रेड होगी? नहीं शायद। और इस समय देखिए रुद्र पार्टनर्स की टीम जीत, मुबारक हो, आपकी टीम पहुंच चुकी है तुलसीवाड़ी प्रीमियर लीग 2022 के ग्रैंड फिनाले में, महज 2 पॉइंट से मुकाबला जीता। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस।